हे गाइस सो गाइस, क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो अभी आप सबको, अगर आप मेरे एक रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मेरी मदर इन लॉ मम्मी अभी हमारे पास यहाँ पे थे, जनवरी से आए हुए थे, बट ये पंजाब में रहते हैं, तो अभी इनका वापस जाने का टाइम आ गया है। तो काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं हम दोनों की इक्वेशन के लिए कि यू नो, कैसा हमारा रिश्ता है, और हम मतलब दीपक के साथ भी ऑफकोर्स, और जाने से पहले थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहते थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी से पूछ लेते हैं। तो मम्मी आज आंसर देने वाली हैं। मम्मी थोड़ा सा शाई फील कर रही थी, आप शाई फील कर रहे हो थोड़ा सा? नहीं, ठीक है ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में ही काफ़ी टाइम निकलने वाला है। बट उससे पहले आप ये बताओ कि आप अभी वापस जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन उदास भी मन है कि बच्चे के साथ मेरा बहुत दिल लगा। इस बार ज्यादा मन लगा, इस बार बहुत ज्यादा मन लगा एम्बर करके, एम्बर की वजह से, एम्बर के, क्योंकि ये बच्चे तो बिजी रहते हैं ना, तो एम्बर बस सारा दिन अपने पीछे लाई रखती है। तो अच्छा ये है। तो अभी फिर वापस मम्मी हमेशा प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं आऊंगी 2 महीने में, और फिर 1.5-2 साल बाद आते हैं, तो बट इस बार शायद आ जाए क्योंकि एम्बर है यहाँ पे। तो बाय द वे गाइस, अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं करी है तो वो जरूर कर ले नोटिस, हम दोनों ने सेम आउटफिट पहनी हुई है, सेम कुर्तीज पहनी हुई है, कुर्ता प्लाजोस। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो क्वेश्चन भी क्या है, मम्मी के लिए मैसेज भी आए हैं। मम्मी आपके लिए एक मैसेज आया कि हैप्पी जर्नी मम्मी, आप ध्यान से जाना, तो आपके लिए मैसेज आया है। थैंक यू। वाजपेयी शुक्ला ने आपके लिए ये मैसेज बोला है, ठीक है? तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं बहुत बहुत शुक्र करती हूँ कि तुमने मेरे लिए मैसेज भेजा। हाँ, थैंक यू। और किसी ने बोला है आप ना जाओ? हाँ, मैं वापस जरूर जल्दी आऊंगी, जल्दी आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके लिए मैसेज आया है कि शी इज वेरी स्वीट सासू, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय एवर स्माइलिंग फेस एंड पॉजिटिविटी। तो मैसेज ये है कि वो बहुत ही अच्छी सासू माँ है, हमेशा मतलब वो आपसे बहुत इम्प्रेस हुई है कि आप हमेशा हंसते रहते हो। क्या मैसेज देना चाहोगे उनके लिए? नहीं, मैं तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं तो मैं तो खुश रहूँगी ना, तो फिर मेरा घर परिवार सब ठीक है, मेरी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, तो मैं क्यों ना खुश होऊंगी, तो इस करके मैं खुश रहती हूँ। ओके, सो अभी एक क्वेश्चन आया है कि अच्छा ये मेरे लिए मैसेज, मम्मी ही बता देंगी इसका आंसर, कि हाउ यू मैनेज फैमिली एम्बर एंड यूट्यूब, आप मल्टीटास्किंग वुमन है। तो मेरे लिए ये मैसेज आया है कि आप घर को कैसे संभालती हैं, एम्बर को भी संभालती हैं, यूट्यूब भी करती हूँ, तो आप बताओ अभी आपने देखा है कि मैं कैसे काम करती हूँ सारा। हाँ, सोनिया बहुत एक्टिव है, तो वो अपना टाइम टेबल बिल्कुल सेट रखा है, तो जब से मैं भी आई हूँ तब मैं भी देख के मैं बहुत हैरान हुई, तो मैं कहा सोनिया आपने बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मैं मेरे को दिक्कत परेशानी कोई नहीं हुई देख के, तो सोनिया एक्टिव करके तो सारा काम एकदम से बहुत सही करती है, अपना यूट्यूब का भी करती है, तो बीच में टाइम निकाल के एम्बर को भी देखती रहती है, तो हाँ सारा काम बहुत अच्छे से करती है। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी फिर आपके लिए है कि ओ मम्मी जी आप जल्दी वापस आना। हाँ जरूर, आप सब मुझसे प्रॉमिस करके जा रहे हो, आप बाकियों से भी प्रॉमिस करके जाओ। हाँ, जल्दी आऊंगा। गाइस मैं जल्दी आऊंगी, जरूर आऊंगी, जल्दी आना है मैं। हाँ, एम्बर करके मेरे एम्बर को बहुत, मेरे को एम्बर की बहुत याद आएगी। हाँ, तो आप पंजाब में कहाँ से हो, ये भी आपके लिए? मैं पंजाब से लुधियाना से हूँ। लुधियाना से है। ओके, सेकेंड एक और क्वेश्चन आपका आया है कि आपको सोनिया की, एज अ सोनिया में क्या कौन सी अच्छी बात लगती है, एज अ माँ, माँ के रोल में सोनिया का क्या रोल अच्छा लगता है? सोनिया बहुत अच्छा चल रही है बेटी से, एक हम बहू को तो बहू कहते हैं लेकिन बहू बेटी ही है, तो हमको समझना चाहिए, बहुत अच्छा है सोनिया का नेचर सब कुछ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी से ही पूछा गया है, वो है कि एनी ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ दीपक पाजी एंड हैव शी एवर एंड हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए आया है कि दीपक की कोई एक छोटे होते की कोई बात बता दो, और कभी आपको जब गुस्सा आया हो दीपक पे। हाँ, दीपक पे, दीपक अपने आप में रहता था छोटा भी, लेकिन गुस्सा इस करके आता था कि ज्यादा मिक्स नहीं होता था किसी बच्चों के साथ, इसका अपना मन होता था कि मैं अपने हिसाब से खेलूं, लेकिन चलो उस हिसाब से तो भी हम ज्यादा वो जोर ही ना कर सकते बच्चे पर, लेकिन इसकी नेचर अच्छी थी,
ਮਤਲਬ ਦੀਪਕ ਇਹ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਸੁਰ ਥੇ ਵੋ ਵੀ ਕਹਤੇ ਥੇ ਇਸਕੋ ਮਤ ਛੇੜੋ ਜੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਖੇਲ ਰਹਾ ਤੋ ਇਸਕੋ ਖੇਲਨੇ ਦੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਪਕ ਕੇ ਦਾਦਾ ਉਸਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਬਾਤ ਥੀ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿਦ ਹਰ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਘੂਮ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਸਾ ਰਹਾ ਹੈ तो मम्मी फैमिली एक्सपीरियंस मतलब मेरा मम्मी से है हम सब एक अच्छी तरह रहते हैं मम्मी को जो पसंद है मैं वो बनाती हूँ मम्मी हमें जो पसंद है मम्मी वैसे रहती हैं तो इस तरह करके बॉन्डिंग बनी रहती है और मोर ओवर मम्मी और मेरी मम्मी जो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं तो भी हमेशा इकट्ठी आई है यहाँ पे मुंबई जब भी आई हैं बट इस टाइम अभी एम्बर है यहाँ पे तो टर्न लेंगे अभी मम्मी आई फिर मेरी मम्मी आएंगे तो ऐसे करके अभी चल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ साथ क्यों नहीं आए वो भी घर पे फिर थोड़ा सा काम घर को देखना हाँ। तो फिर ऐसा नहीं कर सकते ना हाँ तो मतलब ये है कि वो अभी उनका वहाँ पे जॉब वगैरह भी है तो इसलिए वो नहीं आ सकते बट अभी मम्मी जाएंगी फिर थोड़े टाइम के बाद आएंगी सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों की क्या लड़ाई होती है कभी हम दोनों की नहीं कभी नहीं हुई 8 साल हो जाएंगे हाँ नहीं कभी नहीं कभी बहसबाजी भी नहीं हुई लड़ाई की तो बात लड़ाई बहसबाजी तो छोटी छोटी बात भी होती रहती है वो भी नहीं कभी हुई लड़ाई की तो बात बहुत दूर से है हाँ सो आपने आंसर सुन लिया है ठीक है क्योंकि क्या बोलते हैं कई लोगों को ऐसे यू नो बहुत लोग तरह हर तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं तो कई लोगों को ऐसे आपकी मदर इन लॉ क्यों नहीं आपके साथ रहती जब आप नहीं होते हो तो वो होता है कि सबकी अपने अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे होते हैं तो वहाँ पे हमारा घर है पंजाब पे तो वहाँ पे भी कोई होना चाहिए तो यहाँ पे आई है ना तो ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है लड़ाई होती तो इसलिए नहीं रहती इट्स जस्ट कि सबके अपने अपने काम में सर हर लोग बिजी है ना तो आंटी जी नमस्ते नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आंटी जी नमस्ते आप बहुत ही कूल मदर इन लॉ है इसका क्या सीक्रेट है थैंक यू बच्चों जो भी आपने मेरे को मैसेज दिया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं बट वैसे ही मैं थोड़े से मैंने चूज करे ताकि मम्मी भी कंफर्टेबल रहे तो आप ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका आपको सोनिया के हाथ की सबसे अच्छा क्या लगता है बनाया सोनिया के हाथ का नूडल्स जो घर पे बनाती है बहुत अच्छे बनाती है मम्मी के फेवरेट नूडल्स ये खीर खीर मम्मी खीर तो मैंने सोनिया को एक वीक बाद सोनिया खीर बना ले हम लोग ने हर वीक जब से मम्मी आए मोस्टली हर वीकेंड हम लोग खीर बनाते हैं तो ये है और भी बहुत कुछ बनाती है सब बढ़िया लगता है ठीक है एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे हैं अभी तीनों में से सबसे ज्यादा किसको मिस करोगे आंटी जी ये तो मैंने भी पूछा था सच सच बताना ये आया कुछ हाँ सबसे ज्यादा तो एम्बर को करूंगी एम्बर को मिस करें हाँ तो एम्बर के बारे में आपको क्या अच्छा लगा सबसे एम्बर तो बहुत अच्छी है एम्बर को तो मैं कभी उसका जो मेरे साथ उसने एक्टिविटी में मेरे साथ दिखाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसी बच्ची सबके घर पे हो तो बहुत प्यारी है बहुत मन लगा के रखती है कोई परेशानी नहीं करती कभी कोई फ़ोन करूँ जो मर्जी करूँ तो कभी भी हमको वो उससे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि जैसे मम्मी ने तो देखा था ना वो कितनी छोटी थी जब वो NSU से आई थी और मम्मी ने अभी देखा उसको मतलब जैसे सब लोग उसको कमज़ोर बोलते थे तो वो अभी उसने मतलब सबको वो कर दिया है हैरान कर दिया है कि वो कैसी रही है हाँ अब मेरा तो ये बातें करके दिल भर आया मम्मी अभी आंखें मम्मी के भर आई कि अम्बर को छोड़ के जाना है मम्मी को है ना नहीं मम्मी अभी 2 दिन बहुत ज़्यादा आएगी नहीं नहीं चलो 2-3 दिन है अभी उसके साथ ही सो जाओ मैं बोलो अपने साथ उसको खिलाऊं बस एक बात है ना कि वो अभी मम्मी के साथ नहीं मेरे साथ नहीं ना सो सकती वो मम्मी के साथ अभी सोती है तो बहुत है उसका मेरे साथ हाँ सो गाइस सब भी थोड़े से क्वेश्चन ही मैंने करे हैं ताकि यू नो मम्मी भी कंफर्टेबल रहे सो हम लोग फिर जल्दी मम्मी आएंगे फिर बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम मम्मी से तो आप एक टिप देना चाहोगे सास और बहू को कि कैसे बहू को सास के साथ रहना चाहिए कैसे सास को बहू के साथ रहना चाहिए बस वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे को समझना चाहिए ज़्यादा तो मैं ये कहूँगी कि सास का ही फर्ज बनता है बहू को देखे बहू की हर मतलब कि हर चीज़ को उसको फॉलो करे समझे तो उसी से हिसाब से चले है ना दोनों को करना चाहिए हाँ दोनों को करना चाहिए लेकिन पहला काम तो सास का ही बनता है हाँ। तो बहू तो फिर करेगी समझेगी बड़ा अगर बहू अच्छी ना हो तो फिर नहीं वो अच्छी होएगी क्यों नहीं होएगी हमारा ज्यादा फर्ज हमारा बनता है तो फिर बहू भी समझेगी जरूर समझेगी मम्मी की जो मतलब दीपक की जो दादी थी मम्मी की सास बहुत मम्मी का प्यार रहा है उनके साथ तो वैसे ही मम्मी हमें प्यार करती है
सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट मम्मी एंड मी वीडियो. तो हम फिर करेंगे वीडियो, मम्मी जल्दी आएंगी. सो जरूर आप भी मैसेज करेंगे मम्मी जल्दी आए. विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून. स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल और बाय बाय कर दो. बाय बाय.